लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद या नवाज शरीफ की क्यादत में लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक, मुल्क की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अप्रैल में कराने की तजवीज़, इंतखाबी शेड्यूल दो हफ्ते में जारी होने का इम्कान, टर्नआउट बेहतर बनाने के लिए वोटिंग इतवार को कराने की तजवीज़, तारीख का हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़मनी इंतखाबात कराने का फैसला, शेड्यूल जारी करने पर मुशावरत। इमरान खान के 35 हलकों से इलेक्शन लड़ने के फैसले पर वजीर दाखिला राना सना का रद्द अमल, कहते हैं 35 से लड़े या 70 हलकों से इस बार पट्टा खोल देंगे। ज्यादा इम्कान है कि पीडीएम जिमनी इलेक्शन में नहीं जाएगी, अक्टूबर के आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। और कराची में सर्द हवाओं ने जोर पकड़ लिया, मौसम मजीद सर्द हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में 21 से 25 जनवरी तक बादल गरज चमक कर बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।